आज हम सभी इस वीडियो में एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1 है, एस्टीमेट द सम टू द नियरेस्ट टेंस। नियरेस्ट टेंस करके एस्टीमेट क्या करिए, सम ऑफ फाइंड कीजिए एंड फाइंड द एक्चुअल सम। एस्टीमेटेड सम फाइंड कीजिए और एक्चुअल सम फाइंड कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट हम आपको सॉल्व करवा देते हैं। फर्स्ट दिया हुआ है क्वेश्चन 37 प्लस 29। फर्स्ट क्वेश्चन इज 37 प्लस 29। तो सबसे पहले हमें क्या करना, फर्स्ट स्टेप में सॉल्व करेंगे एक्चुअल सम, ठीक है। एक्चुअल सम में हमें क्या करना, सम ऑफ फाइंड कर लेना। तो जाएगा 37 प्लस 29 इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 7 प्लस 9 इक्वल टू 16 का 6 कैरी ऑन 1, 3 प्लस 2 5 5 प्लस कैरी 1 6। एक्चुअल सम ये 66 एंड एस्टिमेटेड सम अब यहाँ पे देखिए हमने एक्चुअल सम फाइंड कर लिया, फिर हमें क्या करना है, एस्टिमेटेड सम ऑफ फाइंड करना है। तो हमें करना है किसका, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन बताया गया नियरेस्ट टेंस करके एस्टिमेटेड सम फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, 37 दिया है, इसका नियरेस्ट टेंस कर लेंगे। 30 नियरेस्ट टेंस ऑफ 37 इज 40। नियरेस्ट टेंस हमने नियरेस्ट टेंस 100 से 1000 से आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो यहाँ पे देखिए हमें 37 का नियरेस्ट टेंस करना है, तो हमारा हो जाएगा 40 और 29 का नियरेस्ट टेंस हो जाएगा 30। यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है, प्लस करना है, तो हम ऐड कर लेते हैं 0 प्लस 0 0, 4 प्लस 3 7 70। एस्टिमेटेड सम इज 70, क्लियर है। तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको आपको सॉल्व करना है। इसमें और एक आप क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा देते हैं। हम आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा देते हैं डी, कौन सा डी आपको सॉल्व करवा देते हैं। डी दिया हुआ 376 प्लस 222 सॉरी 223 है ना। तो हमें फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, एक्चुअल सम फाइंड करना। तो 376 प्लस 223 एक्चुअल सम फाइंड कर लीजिए, 6 प्लस 3 9, 7 प्लस 2 9, 3 प्लस 2 5, क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है, एस्टिमेटेड सम फाइंड करना है। और एस्टिमेटेड सम फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, नियरेस्ट टेंस क्या करना होगा, नियरेस्ट टेंस। तो 376 हम क्या करेंगे, नियरेस्ट टेंस करेंगे। 376 का नियरेस्ट टेंस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 380। आप यहाँ ध्यान से देखिए, वंस डिजिट हमारा क्या है, 6 है। वंस डिजिट 6 है और 6 इज मोर देन 5, 6 5 से मोर देन है। तो हम क्या कर देंगे, वंस को 0 कर देंगे और टेंस में प्लस 1 कर लेंगे। सेम ऐसे यहाँ भी करना है, यहाँ 3 है, 3 इज लेस देन 5, जब 3 5 से लेस देन है कम है, यहाँ पे वंस 0 कर देंगे और 220, ठीक है। सम फाइंड कर लेते हैं, 0 प्लस 0 0, 8 प्लस 2 10, 10 का 0 कैरी 1, 3 प्लस 2 5 प्लस कैरी 1 6। एस्टिमेटेड सम इज 600, ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो जाएगा, आपको हम सॉल्व करवा देते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 बुक में दिया है, एस्टिमेट द सम टू द नियरेस्ट 100। यहाँ पे देखें, यहाँ हमने नियरेस्ट टेंस किया तो वहाँ पे नियरेस्ट 100 कर देते हैं, नियरेस्ट 100। एंड ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, एस्टिमेट द सम टू द नियरेस्ट 100 एंड फाइंड एक्चुअल सम, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 2 का, 415 प्लस 576 एक्चुअल सम फाइंड कर लेते हैं। सॉरी यहाँ पे देखिए, ठीक है, एक्चुअल सम फाइंड करना, तो देते हैं एक्चुअल सम। एक्चुअल सम फाइंड करना है तो एक्चुअल सम फाइंड कर लेते हैं,
हो जाएगा 415 प्लस 576। आपको एक्चुअल सम फाइंड करने प्रॉब्लम नहीं आएगी, जब ये आपको प्रॉब्लम आएगी तो एस्टिमेटेड सम में प्रॉब्लम आएगी। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, सम ऑफ फाइंड कर लेते हैं। 5 प्लस 6 11, 11 का 1 कैरी 1, 7 प्लस 1 8, 8 प्लस कैरी 1 9, 4 प्लस 5 9, ठीक है। इसके बाद हमें फाइंड करना है एस्टिमेटेड सम, एस्टिमेटेड सम। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमें दिया है क्या, नियरेस्ट 100। क्वेश्चन में क्या कहा है, नियरेस्ट 100 करके एस्टिमेटेड सम फाइंड करना है। अब हम क्या करेंगे, 415 का नियरेस्ट 100 करेंगे। नेक्स्ट 100 करने के लिए कौन सा डिजिट हमें चेक करना होगा, 10th डिजिट। यहाँ पे देखिए 10th डिजिट इज ये 1, 10th डिजिट क्या है, 1 है, और 1 इज लेस देन 5, 1 5 से कम है, तो हमारा 1 और 10 से 0 हो जाएगा, 100 में नो चेंज, तो हो जाएगा 400, ठीक है। सेम ऐसे आप बताइए इसका क्या होगा, यहाँ पे देखिए 10th डिजिट 7, 10th डिजिट 7, फिर 7 इज मोर देन 5, 7 5 से मोर देन है, तो 1 10 0, 100 में प्लस 1 हो जाएगा 600। क्लियर है, सम ऑफ फाइंड कर लेते हैं, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0, 4 प्लस 6 10। एस्टिमेटेड सम इज 1000, एस्टिमेटेड सम इज 1000। क्लियर है, तो ऐसे क्वेश्चन दिए हुए हैं सॉल्व हो जाएंगे। इसमें भी आपको एक क्वेश्चन और हम सॉल्व करवा देते हैं, क्वेश्चन नंबर डी सॉल्व करवा देते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर डी इज 2496 प्लस 5112। एक्चुअल सम फाइंड करते हैं, 2496 प्लस 5112, 6 प्लस 2 8, 9 प्लस 1 10 का 0 कैरी 1, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस कैरी 1 6, 2 प्लस 5 7। क्लियर है, अब यहाँ पे देखिए जब भी आपको प्रॉब्लम आएगी किस में आएगी, एस्टिमेटेड सम में आएगी। एस्टिमेटेड सम में हम यहाँ देख रहे हैं हमें क्या करना, नेक्स्ट 100 करना। नेक्स्ट 100 करने के लिए कौन सा डिजिट चेक करेंगे, 10th डिजिट। यहाँ पे देखिए 10th डिजिट इज 9, 9 इज मोर देन 5, देन 1 and 10 0, 100th डिजिट इन 1 प्लस, तो हमारा हो जाएगा 2005। क्लियर है, ऐसे यहाँ पे बताइए क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 5001। क्लियर है, समाप्त कर लीजिए, 0 प्लस 0 0 प्लस 0, 5 प्लस 1 6, 2 प्लस 5 7, आंसर आ गया 7600। क्लियर है, आपको साफ करवा देते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर थ्री में देखिए क्या दिया हुआ है, जहां पे 100 से दिया था क्वेश्चन नंबर 2 में, वहीं पे क्या दिया है 1000। ठीक है, बाकी सेम क्वेश्चन है, एस्टिमेट द सम टू द नियरेस्ट 1000 एंड फाइंड एक्चुअल सम। तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करवा देते हैं, क्वेश्चन नंबर थ्री का फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 5628 प्लस 2170, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, एक्चुअल सम फाइंड करना है, एक्चुअल सम फाइंड कर लेते हैं। 5628 प्लस 2178, क्लियर है, एक्चुअल सम फाइंड कर लीजिए। 8 प्लस 8 16, 16 का 6 कैरी 1, 2 प्लस 7 9, 9 प्लस कैरी 1 10, 10 का 0 कैरी 1, 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 1 8, 5 प्लस 2 7, एक्चुअल सम इज 7806, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, एस्टिमेटेड सम फाइंड करना है, एस्टिमेटेड सम, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एस्टिमेटेड सम फाइंड करने के लिए क्या करना है, नियरेस्ट 1000 करना है। नियरेस्ट 1000 करने के लिए कौन सा डिजिट चेक करेंगे, 100th डिजिट। यहाँ पे देखिए 100th डिजिट क्या दिया है, 6 दिया है, 6 इज मोर देन 5, 6 5 से मोर देन, तो 1 10 100 0, और 1000 से 1 प्लस 6000। सेम यहाँ पे देखिए 100th डिजिट इज 1,
वन इज लेस देन फाइव, वन फाइव से लेस देन है तो हमारा वन टेन से हंड्रेड जीरो और थाउजेंड से हो जाएगा टू थाउजेंड। ऐड कर लीजिए जीरो प्लस जीरो जीरो, टू जीरो प्लस जीरो जीरो, जीरो प्लस जीरो जीरो, सिक्स प्लस टू एट, इस्टीमेटेड सम इज टू एट एट थाउजेंड। क्लियर है? तो आप इस रिलेटिव क्वेश्चन को सॉल्व करिए, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करके बताइए। कहाँ मनोज भाई?